सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। दोस्तों देखिए, अभी मार्केट गैप अप ओपनिंग दिया था और एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद ये देखिए कितना तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों मैंने जो निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है, ये हेजिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझे बाइंग का सिग्नल आया था और इसीलिए दोस्तों देखिए मैंने इस पे बाइंग का पोजीशन लिया है। तो देखिए अभी टाइमिंग कितना है, देखिए अभी 9:35 हुआ है। तो दोस्तों मेरा पोजीशन ऑलरेडी मैंने ले चुका हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरा जो दो पोजीशन है, यहाँ पे आपको तीन पोजीशन दिखेगा लेकिन एक का एल्यूमिनियम का पोजीशन है जो कि कमोडिटी मार्केट का है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने दो पोजीशन लिया है, देखिए एक निफ्टी फ्यूचर के ऊपर और एक हेजिंग के लिए। तो ये दोनों पे अगर आप देखोगे, एक में 2400 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है और एक में 1300 के आसपास लॉस चल रहा है, मतलब ये लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, आगे इसका जो भी रिजल्ट होगा मैंने इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए दोस्तों अभी तक मार्केट साइडवाइज मूव कर रहा है। अगर आप अभी का टाइमिंग को देखोगे, देखिए अभी 10:13 के आसपास चल रहा है। तो चलिए दोस्तों हमें देख लेते हैं हमारा अभी पोजीशन कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों मैं आपको बताया था, एक मैंने निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ट्रेड लिया था और एक हेजिंग कॉन्सेप्ट का लिया था, और ये जो थर्ड ट्रेड है ये एल्यूमिनियम जो कि कमोडिटी मार्केट पे, तो इसको आप छोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों ये जो दो ट्रेड चल रहा है अभी तक, अगर आप ये रिजल्ट को देखोगे, एक में 978 का लॉस चल रहा है और दूसरा पे 1980 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आप लगभग देखोगे नेट नेट, देखिए यहाँ पे 1000 पॉइंट के आसपास अभी भी प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों ये एक सेफ स्ट्रैटेजी है, तो ये सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से भले ही मार्केट साइडवाइज मूव कर रहा हो, इस पर हमको प्रॉफिट मिलता जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, फिर मैंने बाद में इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए अभी निफ्टी फ्यूचर 12000 के आसपास टच कर चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी जो पोजीशन चल रहा है वो कैसा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी अगर आप देखोगे, ये जो निफ्टी फ्यूचर है यहाँ पे 3900 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और ये जो निफ्टी का मैंने जो हेजिंग यूज किया है यहाँ पे 2000 के आसपास लॉस चल रहा है। तो अगर आप नेट नेट देखोगे 2000 के आसपास अभी प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, बाद में आपके साथ इसका रिजल्ट को शेयर करूंगा। दोस्तों अभी निफ्टी फ्यूचर का जो प्राइस चल रहा है 12038 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा जो पोजीशन है वो पोजीशन अभी कैसे चल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ये जो निफ्टी फ्यूचर पे जो ट्रेड लिया है, ये 6700-6800 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, और ये जो हेजिंग है इस पर 4300 के आसपास ये लॉस चल रहा है। तो दोस्तों नेट नेट अगर आप देखोगे 2000-2500 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है। तो दोस्तों मैंने अभी ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ और जो मार्केट क्लोज होने वाला होगा मैंने उसका रिजल्ट आप लोगों के साथ डिटेल्स पे शेयर करूंगा। दोस्तों अभी निफ्टी फ्यूचर 12066 के आसपास ट्रेडिंग कर रहा है। तो देखिए दोस्तों अभी जो टाइमिंग है, अभी टाइम 1:47 के आसपास है। तो चलिए दोस्तों ये निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने जो ट्रेड कर रहा हूँ उसका रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों निफ्टी हेजिंग स्ट्रैटेजी को मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया है, निफ्टी फ्यूचर के ऊपर 8800 के आसपास ये प्रॉफिट चल रहा है, और ये जो हेजिंग है इस पर 6000 के आसपास लॉस चल रहा है। तो अगर आप नेट नेट रिजल्ट को देखोगे तो 2500-2600 के आसपास इस पर प्रॉफिट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये था अभी का अपडेट, मैंने आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा। तो मार्केट बंद होने के बाद इसका रिजल्ट आज कितना आया आप लोगों के साथ डिटेल्स पे शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। दोस्तों देखिए अभी निफ्टी फ्यूचर का जो करेंट मार्केट प्राइस है 12086.25 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप टाइम को देखोगे, देखिए दोस्तों अभी 3:06 चल रहा है। तो चलिए दोस्तों मैंने ये स्ट्रैटेजी को यूज करके जो भी सारे हम ट्रेड लिए थे उसका रिजल्ट के बारे में एक बार जान लेते हैं। देखिए दोस्तों ये रिजल्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे निफ्टी फ्यूचर के ऊपर ये 10,237 या 10,000 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, और देखिए ये जो हेजिंग था ये हेजिंग पे 6900 के आसपास लॉस चल रहा है। तो अगर आप नेट ट्रेड देखोगे ये 3000 के ऊपर अभी हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो दोस्तों मैंने ये एक एक लॉट के ऊपर लेके काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो रिजल्ट आपको दिख रहा है आपको मैंने एडिट करके शेयर कर रहा हूँ या मैंने खुद ट्रेड किया है। चलिए दोस्तों मैंने दो बार आपको रिफ्रेश करके भी इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ।
देखिए दोस्तों, रिफ्रेश करने के बाद भी ये सेम रिजल्ट दिख रहा है। दोस्तों मैंने और एक बार ये स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्क्रीन को रिफ्रेश करने के बाद भी आपको ये रिजल्ट दिख रहा है कि ये सेम रिजल्ट दिख रहा है। और ये जो मार्केट चल रहा है, ये मार्केट के हिसाब से यहाँ पे प्राइस अप एंड डाउन जा रहा है। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी एक सेफ स्ट्रैटेजी है और हमको इस सेफ स्ट्रैटेजी के माध्यम से महीना में 10-15% के आसपास ये रिटर्न दे देता है। दोस्तों अगर आप मार्केट पे बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुके हो तो दोस्तों ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न महीना में जनरेट करके दे देगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये स्ट्रैटेजी चाहिए तो दोस्तों मैंने मेरा व्हाट्सअप का नंबर ये डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे और देखिए वीडियो के नीचे मैंने मेंशन किया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, अभी तो मार्केट कंटिन्यू चल रहा है, तो दोस्तों मार्केट जब क्लोज हो जाएगा उसके बाद मैंने इसका टोटल रिजल्ट कितना हुआ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अभी मैंने ये वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। दोस्तों अभी निफ्टी फ्यूचर का प्राइस 12,100 के ऊपर क्रॉस कर चुका है और अभी मार्केट बंद होने वाला है। देखिए दोस्तों, अभी का जो टाइम है 3:22 चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने जो भी सारे ट्रेडिंग किया है उसका रिजल्ट कैसा है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक ये जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है, देखिए दोस्तों निफ्टी फ्यूचर के ऊपर 11,500 के ऊपर प्रॉफिट दिख रहा है और ये हेजिंग पे 8,200 के आसपास लॉस दिख रहा है। तो दोस्तों 323 को ये ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। दोस्तों मुझे हमेशा टाइम नहीं मिलता है कि लाइव मार्केट का टाइम पे आपको वीडियो बना के शेयर करूं, लेकिन दोस्तों आज मुझे टाइम था इसलिए दोस्तों मैंने खुद सोचा कि आज ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसा काम दे रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैंने कंटिन्यूअसली 6-7 months से इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और दोस्तों ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम दे रहा है। तो दोस्तों अभी हमको और थोड़ा वेट करना है। देखिए दोस्तों, जनरली 3:23 के आसपास यहाँ पे स्क्वायर अप हो जाना चाहिए, तो ये ऑटो स्क्वायर अप अभी हो जाएगा और ऑटो स्क्वायर अप होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आज का प्रॉफिट कितना आया है। देखिए दोस्तों, अभी ऑटोमेटिक स्क्वायर अप हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैंने उसका प्रॉफिट एक बार काउंट करके आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो प्रॉफिट आया है 11,602.5 का और जो निफ्टी हेजिंग पे जो लॉस आया है 8,355 का, तो आज का जो टोटल प्रॉफिट 3,247.5 का आया है। तो दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी के माध्यम से अगर आप कंटिन्यूअसली काम करोगे तो आपको नेट नेट 10-15% के आसपास जरूर प्रॉफिट आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो पोजीशन मेरा एक्टिव है ये मैंने कमोडिटी मार्केट पे लिया है जो कि एल्युमिनियम का है। तो ये इसी स्ट्रैटेजी को यूज करके मैंने नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए दूसरा स्ट्रैटेजी बनाया है। लेकिन ये निफ्टी फ्यूचर के ऊपर जो मैंने हेजिंग स्ट्रैटेजी बनाया है, ये हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करके आज हमारी 3,247.5 के आसपास प्रॉफिट आया है। तो दोस्तों, मैंने इसी स्ट्रैटेजी के यूज करके कंटिन्यूअसली 6-7 months से इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, इतना ट्रेडिंग डे से मैंने जो भी सारे ट्रेडिंग किया है उसका रिजल्ट और एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने ये यूट्यूब का कम्युनिटी टैब के अंदर हर दिन इसका रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली ये स्ट्रैटेजी पे काम करने के लिए 1 lakh के आसपास कैपिटल चाहिए और ये मे मंथ पे 1 lakh कैपिटल पे 18% से ज़्यादा रिटर्न दिया था और जून मंथ पे 17.80, मतलब ये लगभग 18% के आसपास रिटर्न दिया। जुलाई पे मार्केट साइडवाइज था, फिर भी देखिए यहाँ पे 13.04% के आसपास ये रिटर्न दिया था और अगस्त मंथ पे 16.30% का ये रिटर्न दिया। सेप्टेम्बर मंथ पे 14.57% का रिटर्न दिया था। अक्टूबर मंथ पे पहली बार ये स्ट्रैटेजी पे लॉस आया था, जो लॉस लगभग 5% के आसपास आया था। और देखिए दोस्तों, अभी नवंबर मंथ कंटिन्यू चल रहा है और ये नवंबर मंथ पे मैंने जो भी सारे ट्रेडिंग किया है, जो प्रॉफिट आया है उसको ग्रीन कलर पे और जो लॉस आया उसको रेड कलर पे मेंशन करके आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। और देखिए दोस्तों, ये काल तक प्रॉफिट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी शेयर किया है, तो ये 6,933.5 के आसपास प्रॉफिट था और आज का प्रॉफिट मैंने इस पे अपडेट करके भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। तो आज का जो प्रॉफिट आया है 3,247.5 का। ठीक है दोस्तों, ये था लाइव मार्केट में आज का हमारा ट्रेडिंग और ये हेजिंग स्ट्रेटेजी को यूज करके 3,247.5 के आसपास हमको मुनाफा मिला है।